नाज़रीन सिंध समाचार में अमां खे वरी कार आऊं आहियां। ताहिरा वज़ीर, सभु खां पहिरीं अमां खे ख़बर ॾींदासीं हैदराबाद मां, जिते वन मीटिंग जे शौक़ वधीक हिकु नौजवान खां हयाती खसे वरिती, जॾहिं त हिकु ॼणो सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो। तव्हांखे ॿुधायां पिया, हैदराबाद में वन मीटिंग जे शौक़ वधीक हिकु नौजवान खां हयाती खसे वरिती आहे ऐं हिकु ॼणो सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे अस्पताल दाख़िल कयो वियो आहे। हैदराबाद मां टाइम न्यूज़ रिपोर्टर इम्तियाज़ खोसो असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी इम्तियाज़ खोसो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? ताहिरा, हैदराबाद जो ई गुल सेंटर वारो इलाइक़ो आहे। उते शाम जो वन व्हीलिंग जो शौक़ रखंदड़ नौजवान तेज़ रफ़्तारी सबबु मोटरसाइकिल फुटपाथ सां टकराइजण सबबु मौके ते पहुची वियो। जॾहिं त हुन सां गॾु जेको ॿियो नौजवान हो, उहो सख़्त गलती जो बि हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद में दाखिल आहे। ईअं ॿई नौजवाननि बाबति अञा ताईं हिन जा जेके वारस आहिनि उहे न आहिनि पहुता, इन करे हिननि जी सुञाणप जेका आहे उहा अञा नाहे थी सघी। ॿुधाए थो वञे त इहे नौजवान जेके आहिनि वन व्हीलिंग कंदे जेको गिदू चौक आहे हैदराबाद वारो, उतां ई शहर जी तरफ़ ॾांहुं अची रहिया हुआ। रस्ते ते जी आर थाणो बि हिननि खे लॻे थो, गॾोगॾु गिदू नाके ते ई पुलिस जी पोस्ट बि आहे, पर हुननि पुलिस अमलदारनि बि हिननि खे रोकण जी कोशिशि न कई, न ई हुननि ख़िलाफ़ का कारवाई कई। हुनजे नतीजे में जीअं ई गुल सेंटर वारो इहो सिग्नल आहे उहो खुलियो, त उतां जीअं तेज़ रफ़्तारी सबबु हिननि जी गाॾी आई पई त फुटपाथ सां टकराइजी फौत थी वई। मजमूई तौर ते ताहिरा, हैदराबाद में ॿिनि महीननि दौरान रुगो ॾिसजे त हैदराबाद जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में टे नौजवान जेके आहिनि उहे वन व्हीलिंग कंदे ऐं पंहिंजो हयाती विञाए वेठा आहिनि। केतिरा ई हिन में नौजवान जेके आहिनि उहे ज़ख़्मी बि थिया आहिनि, पर हैदराबाद पुलिस जेको आहे अंगूर निन में सुतल आहे। हैदराबाद जा जेके शहरी इलाइक़ा आहिनि, जीअं लतीफ़ाबाद पौणा सत खां असां मक्की शाहरा अचूं था, चेंट कब्रिस्तान वारो इलाइक़ो आहे, जी टी सी ग्राउंड आहे, हिते वन व्हीलिंग थिए थी। थधी सड़क हैदराबाद जो मसरूफ़ शाहरा वारो इलाइक़ो आहे, रोड आहे, सॼो ॾींहुं ट्रैफिक हले थी। हिते वन व्हीलिंग कनि था नौजवान, पर हुननि खे को रोकण लाइ तयारु न आहे। रावती खां टंडो जाम टूल प्लाज़ा वारो जेको इलाइक़ो आहे, इहो वन व्हीलिंग रखंदड़ शौक़ीन जो मुख्य मर्कज़ बणियल आहे। हाणे त वन व्हीलिंग कंदड़ जेके नौजवान आहिनि उन्हनि बाईपास जेको मोटरवे आहे, M9 मोटरवे, उनजो बि रुख कयो आहे। बाईपास कासिमाबाद खां टूल प्लाज़ा ताईं राति जे टाइम ते ऐं जेको फजर वारो टाइम हुजे थो उन दौरान वन व्हीलिंग कंदा रहनि था बिना ख़ौफ़ जे। उन्हनि खे पुलिस जेको आहे रोकण लाइ तयारु न आहे। गॾोगॾु हिन जेके वालदेन आहिनि उहे बि पंहिंजे ॿारनि ते नज़र नथा रखनि, उनजे नतीजे में हिननि जा ॿार या त ज़ख़्मी थियनि था या पंहिंजूं हयातियूं विञाए वेहनि था। हैदराबाद में SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो कुझु ॾींहं अॻु वन व्हीलिंग कंदड़ नौजवान ख़िलाफ़ ब्रेकडाउन जो बि फ़ैसिलो कयो हो, पर उनजो नतीजो असां ॾिठो त कुझु बि न निकितो। ॿ ॾींहं जेको आहे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हिन नाका हया पुलिस वारनि, उन दौरान इहे वन व्हीलिंग कंदड़ जेके नौजवान आहिनि उनखे हिरासत में वरितो वियो। उन्हनि खां उन्हनि जे वालदेन खां लिखाए उन्हनि खे ॿीहर जेको आहे आज़ादु कयो वियो। उन्हनि जूं गाॾियूं जेके बाइक्स हुजनि थियूं वन व्हीलिंग लाइ उहे तयारु कराइनि था मुख़्तलिफ़ मिस्त्रियुनि खां वञी, उहे गाॾियूं उन्हनि जूं ज़ब्त न कयूं वियूं। उनजो नतीजो इहो आहे त ॿीहर जेके इहे नौजवान आहिनि उहे सरगर्म थी विया। हाणे जीअं सियारो शुरू थींदो त हैदराबाद में वन व्हीलिंग जो जेको शौक़ रखनि था नौजवान उहे शर्तूं लॻाइनि था। हिननि जो सोशल मीडिया ते हिकु ग्रुप ठहियल आहे, उन ग्रुप में हू ॿुधाइनि था त असां जेको आहे फलाणे ॾींहं ते फलाणे इलाइक़े में वन व्हीलिंग कंदासीं, पर उन बावजूद बि जेके साइबर क्राइम सां वास्तो रखनि था माण्हू हिननि मामलनि खे ॾिसनि था, उहे बि हिननि ख़िलाफ़ का कारवाई नथा कनि। गॾोगॾु पुलिस खे त इहा ॼाण बि हुजे थी त वन व्हीलिंग रखंदड़ जेके नौजवान आहिनि शौक़ रखनि था उहे अॼु हिन इलाइक़े में अची उते शर्तूं लॻाईंदा या मुख़्तलिफ़ करतब ॾेखारींदा, पर उन बावजूद बि पुलिस अहिड़ो को निज़ाम नाहे जोड़ियो, न ई पुलिस उन्हनि खे रोके थी। उन करे बिना ख़ौफ़ जे जेके नौजवान आहिनि उहे उते वन व्हीलिंग कंदा रहनि था। अॼु बि अफ़सोसनाक हादसो पेश आयो आहे, घटि में घटि 3-4 कलाक गुज़री विया आहिनि हादसे खे, पर अञा ताईं हिन जे जेके वारस आहिनि नौजवाननि जा उहे अस्पताल न आहिनि पहुता। ज़ाहिर आहे उन्हनि खे मालूमात मिली हूंदी, पर उन्हनि खे ख़ौफ़ हूंदो त हाणे पुलिस उन्हनि ख़िलाफ़ का कारवाई कंदी या ॿिया जेके मामला थींदा, इन करे बि ज़ाहिर थियण जी कोशिशि नथा कनि। हिन वक़्तु नौजवान जो जेको लाश आहे उहो उते सिविल अस्पताल हैदराबाद में पियल आहे। ज़ख़्मी जेको नौजवान आहे उनजो इलाजु हलंदड़ आहे। वालदेन में बि सख़्तु ख़ौफ़ ऐं हिरासत आहे। शहर जा जेके माण्हू आहिनि साञा वेंद माण्हू, उन्हनि जो बि SSP हैदराबाद सां मुतालबो आहे त वन व्हीलिंग खे जामे पॉलिसी तहत रोकण लाइ का हिकमत मिली जोड़ी वञे, जीअं वन व्हीलिंग जो जेको आज़ार आहे शहर मां उहो ख़तमु थी सघे। इहे बेगुनाह जेके नौजवान उते करतब ॾेखारींदे फौज थियनि था, इहे वाकिया बि रुकजी सघनि। जी महिरबानी, तव्हांजी इम्तियाज़ खोसो तफ़सील ॾियण लाइ। नाज़िर, मूंखे ॿुधायां त बॉर्डर पुलिस खे शहर जे ॿाहिरियां हिकु अणॼातल नौजवान जो लाश हथायो, जंहिंजी सुञाणप लुंड पाड़े वासी सदाम भुट्टो तौरु थी आहे।
के खबर ॾियूं पिया। बॉर्डर मां जिते पुलिस खे शहर जे ॿाहिरियां हिकु अणॼातल नौजवान जो लाश हथायो, जंहिंजी सुञाणप लुंड पाड़े वासी सदाम भुट्टो तौरु थी आहे। बॉर्डर मां खे ख़बर ॾियूं पिया जिते शहर जे ॿाहिरियां हिकु अणॼातल नौजवान जो लाश हथ कयो वियो आहे। तव्हांखे ॿुधायूं पिया नाज़रीन, बॉर्डर पुलिस खे शहर जे ॿाहिरियां हिकु अणॼातल नौजवान जो लाश हथायो। नाज़रीन, हुन खां पोइ अव्हांखे ॿुधायां त हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स जूं तक़रीबूं जारी आहिनि। उर्स जे मौक़े ते पांधीअड़नि वॾे अंग में शिरकत बि कई आहे, जॾहिं त इंतिज़ामिया तरफ़ां के बि इंतिज़ाम न आहिनि कया विया। भिट शाह मां टाइम न्यूज़ रिपोर्टर रजब बोज़दार असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी रजब बोज़दार, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त शहरनि जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स मुबारक जूं जेके रस्मूं आहिनि उहे भिट शाह जी नगरी में जारी आहिनि। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स मुबारक जे मौके ते मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां वॾे तादाद में जेके शाह साईं जा चाहींदड़ आहिनि उहे पुलिस जी रुकावटनि बावजूद बि दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ते पहुची विया आहिनि। उहे मज़ार ते हाज़िरी भरे विया आहिनि, जॾहिं त अॼु औक़ाफ़ खाते जे सूबाई वज़ीर पारां बि दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ते चादर चाढ़े सरकारी सतह ते उर्स मुबारक जी रस्मनि जो इफ़्ताह कयो वियो आहे। जॾहिं तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त एस ओ पीस ते अमल जे हवाले सां बि के इंतिज़ामात ॾिसण में नथा अचनि। हिते जेके सिंध हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो वियो त एस ओ पीस ते पांडियड़नि खे जेको मज़ार जे अंदरि छॾियो वेंदो, मगर हिन वक़्तु मास्क जे हवाले सां बि के जोगा इंतिज़ाम ॾिसण में नथा अचनि ऐं पांडियड़ा जेके आहिनि उहे समाजी विधि ऐं बिना मास्क जे जेके आहिनि एस ओ पीस ते अमल करण बजाए बि दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ते वॾे अंग में हुजूमनि जी सूरत में हिते मौजूदु आहिनि। जॾहिं त अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त उर्स मुबारक जूं जेके ही रस्मूं आहिनि इहे जारी आहिनि। जॾहिं त ॿिए पासे दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ते चरागाह न थियण वारी ख़बर टाइम न्यूज़ ते नशर थियण बाद औक़ाफ़ खाते जे सूबाई वज़ीर सोहेल अनवर फ़याल सख़्तु नोटिस वरितो आहे ऐं दरगाह ते फौरी तौर ते चरागाह करे ख़ूबसूरती करण जा हुकुम जारी कया विया, जंहिं बाद औक़ाफ़ खाते पारां हिन वक़्तु हंगामी बुनियादनि ते दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ते चरागाह करे रंग बिरंगी बल्ब ऐं झालर लॻाया विया आहिनि ऐं दरगाह खे हिन वक़्तु ख़ूबसूरत कयो वियो आहे। जॾहिं त ॿिए पासे अव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त ज़िले इंतिज़ामिया जे हुकमनि मूजिबि हिन वक़्तु असीं दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ते हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं, त दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ते पांधीअड़नि खे मुकमल तौर ते ॿाहिरि कढी दरगाह ख़ाली कराई वई आहे ऐं पुलिस अहलकारनि ज़ाहिरीननि खे दरगाह खां ॿाहिरि कढी मज़ार जा जेके दरवाज़ा आहिनि उहे आम ज़ाहिरीन लाइ हिन वक़्तु बंदि करे छॾिया आहिनि। ॿिए पासे अव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त पुलिस अहलकारनि दरगाह चाढ़ी दंबूरा चौक ते दुकान बि बंदि कराए छॾिया आहिनि। गुज़िरियल राति एस एस पी मटियारी आसिफ़ अहमद बुगियो पारां उर्स मुबारक जे सिलसिले में मज़ार खे राति जो 9 बजे बंदि करण ऐं दुकान बि बंदि करण जो हुकुम जारी कयो वियो हो, जंहिं तहत पुलिस अॼु 9 बजे खां ई दरगाह ख़ाली कराए दुकान बंदि कराए छॾिया आहिनि, जंहिं करे पांधीअड़ा हिन वक़्तु सख़्तु परेशानियुनि में वधिजी विया आहिनि ऐं उहे शहर जे मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि पार्कनि में उहे रिहाइश अख़्तियार करण ते मजबूर आहिनि। जॾहिं त इहो बि अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त दरगाह ते हिन वक़्त में जेके रस्मूं आहिनि उहे जारी आहिनि। हिन वक़्त बि दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ते ज़ाकिरी ओताकी ऐं रागी फ़क़ीरनि पारां दरगाह ते मच ॿाहिरां फेरो ॾेई ज़िकिर करे रस्म जेका आहे उहा अदा कई वई आहे ऐं मुख़्तलिफ़ जेके रोड रस्ता आहिनि उहे हिन वक़्तु बि आम ज़ाहिरीन लाइ बंदि आहिनि, जंहिं करे ज़ाहिरीन जेके आहिनि सख़्तु तकलीफ़ुनि ऐं परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त शाह साईं जे उर्स जूं जेके ही रस्मूं आहिनि इहे 3 ॾींहं ते जारी रहंदियूं ऐं आख़िरी ॾींहं ते सुभाणे खां पहिरीं जेका आहे रस्म दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो जेको सजादा नशीन आहे उहे हर साल जीअं हाल दाॻनि जी रस्म अदा कंदो ऐं इख़्तामी जेका तकलीफ़ आहे उनमें वज़ीर आला सिंध सैद मुराद अली शाह शिरकत करे एवार्ड तक़सीम कंदो। जी महिरबानी मुंहिंजे रज़ो बोज़दार तफ़सील ॾियण लाइ। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स वारियूं तक़रीबूं जारी आहिनि। नाज़िर, नौशहरो फिरोज़ में ग़ुलाम मुश्तबा पब्लिक लाइब्रेरी सहूलतुनि खां महरूम आहे। शहरनि जो चवणु आहे त किताब न आहिनि, पीअण जो पाणी न आहे, इमारत ज़बू हाल आहे। लाइब्रेरी मां सहूलतुनि जी खोड़ ख़तमु कई वञे। वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे ज़ाहिद राजपर। हीअ तमामु घणी पुराणी लाइब्रेरी आहे ग़ुलाम मुश्तबा नाले सां। सर, असां हिते तइलीम पढ़णु अचूं था, पर हिते का बि अहिड़ी सहूलत न आहे, न को लाइट जी सहूलत आहे, न को छा आहे, किरी पई आहे शागिर्दनि जे मथां, किरी पई आहे। असां तमामु घणा परेशान था रहूं, त सर असां मुतालबो था कयूं ज़िले जे इंतिज़ामिया खां त जदीद खां जदीद सहूलतूं हिते मुहैया कयूं वञनि, जीअं असां पंहिंजी तइलीम मुकमल पढ़ाए सघूं। लाइब्रेरी नौशा फिरोज़ जे हवाले सां ॾिठो वञे त रुकासो हीअ तक़रीबन हिनखे 18 साल खनि तक़रीबन थिया आहिनि जुड़े लाइब्रेरीअ खे, पर हिन वक़्त ताईं लाइब्रेरी लाइ जेको थियणु घुरिजे आहे उहो न आहे थी सघियो। कई हुकूमतूं आहियूं, ज़िले हुकूमतूं आहियूं, उनखां पोइ लोकल गवर्नमेंट आई, उनखां पोइ ॿी हुकूमतूं आहियूं,
11 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही उन अलावा परवेज मुशरफ जो दौर भी रो लाइब्रेरी हवाले से दिखो वे तो लाइब्रेरी एकड़ी जो सो जदीद किस्म जो इन वक्त जो सारी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में जुड़ी रही हैं। बदकिस्मती यह है जो नौशा फिरोज में हि लाइब्रेरी एकड़ी नंढड़ी जुड़ी हुई जैसे तकरीबन 18 साल थी पर उनमें सहूलतू अजा तीन जो सो मैसर ना जिनमें पानी जो मसलो आ लाइटिंग जो मसलो आ बिजली जो बोहरान आ एतरे कदर जो बिजली भी जो चोरी की बारे रहा हूँ जो उन बार बार उनके जिक्र कर रहा हूँ ऑफिसर साहब के या चेयरमैन साहब के भी जो इतला दिनों हो तो हि बरसा के कर चितकरी पी आ उनकी का मरम्मत कराई वे या नई सी को जो सो उन सार संभाल कई वे तो उन को कदम ना खेल वो लाइब्रेरी ऐसो वही पो मत इलेक्ट्रिसिटी भी अथस खुदा न खास्ता मत किरी पे असें नुकसान पुजाए अस इतने रोज इंदा हर बार इंदा पढ़ने के सरकार से गुजारिश था क्यों तो असें लाइब्रेरी जो फैसिलिटू असें जिम्मेदारी उन्हें संभाले असें पखा इलेक्ट्रिसिटी एसी फ्रिज मन जो फैसिलिटी है सुठो पानी खपे असेंगे तकरीबन अस फैसिलिटी जरूर खपे बरसात पी आ बरसात का सजो ऐसो तो ये सारी फास्टरिंग किरी पी अस फास्टरिंग ठारा दियो बार पार्किंग एरिया वो भी गाड़ियों ला ना गाड़ियों सब में बीठन सजो ढी असों वो पार्किंग एरिया भी खपे चई पंजे बजे लाइट हली थी वे तो रोशनी आए कान अस यको मन ऊंदे में वेहूँ तो टे चार पंज कलाक वेही था रहूँ तो असेंगे यो सजो सोलर सिस्टम कराए दियो तो जी असा शागिर्द पढ़ी सन मुस्तकबिल संवार सन असें इंतजामिया का यह गुजारिश है तो असेंगे जल्द का जल्द यो कम कराए सन हाँ मेहरबानी करे असेंगे बुक्स प्राइवेट करने जी त फील्ड जहाँ बुक्स इतने अस मिलन ना इतने रुगो जनरल बुक्स पियान फिजिक्स जहाँ ना मैथ्स जहाँ ना केमिस्ट्री जहाँ ना इंग्लिश जहाँ ना उन गो गु इंटरनेशनल लॉज लॉज जहाँ ना जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जे अचन था तो वे फील्ड जहाँ बुक खी वे पढ़न एक माना सिर्फ लाइब्रेरी के सुठो माना एक अलमारी सुठी ठाए छे उनमें जो थावन उ भगल टुटल रखे छन यो सही ना है उनमें जो फर्नीचर सुठो होजन घुर्जे अस वे उन अस बुक्स घनी खोटा वो बुक्स अस घुर्जन जो असि माना थिंकिंग अस फिलोसफी असो है ना बेसिक जी थिंग्स अस प्रोड्यूस कद ये शन तो ये इन शोट है जी अस माना डी वे जी लाइब्रेरी में पढ़ंदड़ नौजवान जो वीचार बुदा उन चवण है जरूरत जो किताब हैं वो लाइब्रेरी में मौजूद ना जैसे पीने के पानी की खोट है इमारत जुबून होजन करो खौफ ए खतरे हेट जो सो तलीम इलम हासिल कर रहा है इन मुतालबो किया तो लाइब्रेरी के बुनियादी जरूरत जो शूं मुहैया कई वन किताब जजो तदाद इतने दिनों वे बुनियादी जी जरूरत शूं पूरी कई वन जी हि भी इल्म की प्यास जो सो बिना खौफ ए खतरे के हासिल कर सकन जाहिद राज पर टाइम न्यूज नौशर फिरोज जाहिद राजपुर की रिपोर्ट वहां डिठी उन खिपरों में खबर दियूँ जिते महीनों अग कतल नौजवान शहरियार कायम खान के केस में घुर्बल जवाबदार के पुलिस अजा तीन गिरफ्तार ना कर सकी पुलिस चवण है त जवाबदार मकतूल शहरियार के कतल केस समेत बेन केसिस में भी घुर्बल हो खिपरों में अवा के खबर दूँ पाया महीनों अग कतल नौजवान शहरियार कायम खान के केस में घुर्बल जवाबदार उसामा कायम खानी के पुलिस गिरफ्तार ना कर सकी उसामा कायम खानी के पुलिस गिरफ्तार कर वरत है इन हवाले से पुलिस जो चवण है त जवाबदार उसामा कायम खानी मकतूल शहरियार के कत्ल केस समेत बेन केसिस में भी घुर्बल हो तंगवाणी में जड़े बाद जख्मी जो केस न वन तं मलिक बरादरी के एहतजाज जो एस एस पी अमजद शेख नोटिस वे केस दाखिल कर हुक्म दई छो जै बाद निसार लाशारी जलाल लाशारी समेत दह सुतल ब अणसुतल मत तंगवाणी थाने ते केस दाखिल कर वो है तंगवाणी में जेड़े बाद जख्मी जो केस न वन तं मलिक बरादरी के एहतजाज जो एस एस पी अमजद शेख नोटिस वे केस दाखिल कर हुक्म दिनों है तफसील मालूम क्यों था तंगवाणी में टाइम न्यूज रिपोर्टर लुत्फ मलिक का जी लुत्फ मलिक कड़ा तफसील है जी बिल्कुल तारा तंगवाणी शहर के मेन चौक बिजारणी मार्केट में कायम परचून के दुकान से बीठल अब्दुल करीम मलिक के दुकान से डंडा बरदार लाशारी बिरादरी के का कर लठी हुई जैसे तो डंडा बरदार शहर के मुख्तलिफ चौकन चौराहन से मुख्तलिफ वक्त से जो है कारे तकरार था मलिक बिरादरी के मान मतो है काहे पाया जै सबब जो है मलिक बिरादरी जहा अठ जणा जख्मी थी पाया जिनके थाने मुंतकिल थाने का अस्पताल इलाज लाइ मुंतकिल जैखा बाद थाने से पौता केस दाखिल कर एस एच ओ पारा जो है कारे मामले तो जो है कारे मामलो जाना है केस दाखिल न करण जो चयो वो
जैसे मलिक बिरादरी पारा जो एसएसपी कश्मोर अमजद शेख के आफिस अगर एहतजाज किया जो टाइम न्यूज में खबर ब्रेक की वही जै खबर एहतजाज जो नोटिस वे अमजद शेख पारा हुकुम दिनो एस एस पी अमजद शेख पारा हुकुम दिनो हो डंडा बरदार लाशारी बिरादरी जहा डंडा बरदार हुआ उन्होंने मत केस दाखिल किया वे जैसे जख्मी के जख्मी के वारिस रमजान मलिक के फरियाद से मोहम्मद साले जलाल लाशारी निस्तार अहमद समेत दह सुतल अण सुतल मानन मथा तंगवाणी थाने से केस दाखिल किया वो है। जी मेहरबानी अवां जी लुतुफ मलिक तफसील लेन लाए। नाजिन घोटकी में बदमनी खिलाफ सियासी समाजी धुरन शहर एहतजाजी मुजाहरों किया शहर जो चवण है शहर में फुर चोरी कत्ल समेत केतर ही वारदातों वी व्यून एहतजाज बाबत तफसील बुधा रो है टाइम न्यूज रिपोर्टर माजिद संगर। जी घोटकी शहर में वधंदड़ बदमनी का शहरी इतिहाद तरफा घोटकी में प्रेस क्लब का घोटकी ए सेक्शन थाने आरोप पर अची कर एहतजाजी मुजाहरो किया है। अचो तो एहतजाज कर गाल बोल कहो बदमनी के वाले का चवण है। घोटकी में एक ही रात में 10 लाख की चोरी घोटा मार्केट में 10 मोटरसाइकिलूँ बिन दिन के अंदर अंदर चोरी थी चुकी हैं। उन बाद में घोटकी में अलग केतरा खूना जेड़ा हलंदड़ उन पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम थी चुकी है। असा हुकूमत सिंध के वजीर अला सिंध के वसावार के असें MNA सरदार मोहम्मद बशखान के सरदार राजा खान के MP जाम इकराम खान के जाम सफला खान धारे के सभी के गुजारिश क्यों था फिलफोर घोटकी के अमन जो नोटिस वो तो जो अमन बहाल कराओ। सरे आम आकरा पर्ची हले थी पई जैमें पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल्स की सरपरस्ती हासिल है। शराब जहा गुत्ता वनो तो लाइन लगी पई आने एक शे मुफ्त में मिले विरायजे गवर्नमेंट के तरफा ये लाइन लगी पई आ उन्हें का कोई भी पुछण आरो ना है। MPA साहबान के गुजारिश क्यों था तो मेहरबानी करे घोटकी के लिए सोचो घोटकी जो अमन बचाओ घोटकी जो अमन बचंदो अवां सुभाणे MNA MPA थी वेंदो अदरवाइज तां बिल्कुल भी न चूंडजी सकबो। असी CM सिंध का IG सिंध का SSP घोटकी का फुल फोर मुतालबो क्यों था तो असा घोटकी के अमन कराए इन घोटकी वालों के सुख जो साह खी दिनों वे असी MNA चीफ सरदार मोहम्मद मुश्कान बार का गुजारिश क्यों था जाम सैफुल्ला खां जाम इकराम खां तो घोटकी जो अमन जो सो वापस कराया वे अस मुतालबो क्यों था घोटकी SHO हटाओ अमन बचाओ चोरी जो वारदातों फुरू डेली रोज मोबाइल खसी वन थी असो दोस्त है एक मजदूर उन्हीं का भी मोबाइल खसी वही है पर हिन माल ताई कोई भी रदअमल जाहिर न थियो। असा मजदूर गरीब शाम जो सिज लते का पो रेड़ियों बंद ता करे वणाऊ बिजली जै टाइम वने थी 9 बजे उनी का पो मोबाइल आ पैसा वैसा जेके आन असा का सब कटी दा वणन पिचल डेकार दामान करे असा गरीबन सा यो जुलम मैसेज के जाम इकराम खान के मोहम्मद अज खान के सबन के सबन के असा चाहू ता त यो मना बंद कराय वने उनन जे मता जोर दिनो वने चवण है घोटकी शहर में ढीं ढी बदमनी बदंदी पी वे घोटकी शहर में समाजी बुराई उरूज से पहुंची चुकी हैं आकड़ा पची शराब जहा गुत्ता बू जो बुराइन वह पुलिस की सरपरस्ती में हली रही हैं। इन हवा से शहरी इतिहाद मेन के अगवाणन जो यो मुतालबो है फौरी तौर पर घोटकी शहर में जो चोरी बदमनी फुरज के वारदातू आन उन कंट्रोल कर शहर के सुख जो साह दिनों वे। कैमरामैन अब्दुल कादिर मंगी से गड माजिद अली संगड़ टाइम न्यूज घोटकी। दिनासिन माजिद संगर की रिपोर्ट में डिठी उन बुधाया तो बांधी वेझो गोठ गामन खान जमाली में 7 साल अग रिंद बिरादरी के धुर अली अनवर रिंद खान मोहम्मद रिंद के कतल थियल नंढे भा नौजवान जावेद अली रिंद ए जमाली बिरादरी के धुर यार अली जमाली के कतल थियल भाणे के 25 साल नौजवान मीर खान जमाली के खूनी तकरार जो निबेरो थो। फैसले बाद धुरियों खीरखंड वहां पे बांधी वेझो निबेरो थो है गोठ गामन खान जमाली में 7 साल अग रिंद बिरादरी के धुर मथा धुर जमाली बिरादरी विच में थियल झेड़े जो निबेरो थो। मोहब्बत देरो भर से गोठ मुरीद खान सोलंगी के रफासी सोलंगी बिरादरी के माण पारा बिरादरी के बासरन के मुबैना ज्यादतन खिलाफ एहतजाजी मुजाहरो किया वो। उन मौके से मुजाहरीन बिरादरी जो एक बास पुलिस ऑफिसर असा ते कूड़ा केस दाखिल कराने की कोशिश कर रहा है। विरासती अमां के बुधाया पिया मोहब्बत देरो भर से गोठ मुरीद खान सोलंगी के रहवासी सोलंगी बिरादरी के माण पारा बिरादरी के बासरन के मुबैना ज्यादतन खिलाफ एहतजाजी मुजाहरो किया वो। तफसील मालूम क्यों था
आफ्ताब कीरियो खां जी आफ्ताब कीरियो कड़ा तफसील आन वास्ते में सोलंगी बिरादरी के मानन पर आम बिरादरी के बासर के मुबैन आजाद के खिलाफ प्रेस क्लब अगैं सख्त जाजी मुजाहरो किया। उन मौके से मुजाहरो करने में आबिद सोलंगी, हक नवाज सोलंगी, महताब सोलंगी बेन तो बिरादरी से ताल्लुक रखने बासर असा के बिना जवाब तंग कर रो है। इन इल्जाम तो बिरादरी के एक बासर पुलिस ऑफिसर असा कूड़ा केस दाखिल कराने की कोशिश कर रो है, जैसे सब सख्त परेशान हैं। बासर के जुल्म का तंग अची वह बास रोजानो असाजे घर से हमला कराए असा के परेशान कर रहा है, जैसे सब खौफ जहां परेशान है। इन वसवार का मुतालबो कर बास के खिलाफ कदम खड़ी असा के तहफुज फराम किया बी सूरत में सख्त एहतियात किया वो जी मेहरबानी मां जी आफ्ताब के दियो तफसील लेन लाए भानसेदाबाद में स्टेशन रोड के रहवासी पोरिय थे बजमाली मासूम बारन गड प्रेस क्लब पहुंची जमीन ते मुबैना कब्जे ए धमकियों मिलन खिलाफ एहतजाज कयो। पोरिय जो चवण हो तो मुझी नवजरेब जमीन ते बास कब्जो करन चाहन था। भानसेदाबाद में टाइम न्यूज रिपोर्टर आसिफ मैमुन असन लाइन ते मौजूद है जी आसिफ मैमुन केड़ा तफसील आहन जी बांसेबाद में स्टेशन रोड के रहवासी पुरियत हेबत जमाली पांच मासूम बारन फरजाना राशिद रोशनी से गड प्रेस क्लब बांसेबाद पहुंची जमीन से मुबैना कब्जे ए धमकियों मिलने खिलाफ एहतजाज किया। उन मौके से पुरियत हेबत जमाली मीडिया अगर गाइंदे इल्जाम आयो तो गोठ नारे में मुझी नव जहेज जमीन है जैसे बासर मू कब्जो कर चाहन था मुझे जमीन से मिल्कियत कब्जे ए कतल जो धमकियों दिन पन चवण तो जवाबदार घर से पिण हमलो कर जैसे सख्त परेशान आयो पर पुलिस असानी का भी मदद नी कर बार बार थाने के चक्कर कटण से मजबूर आयो पर पुलिस असा के मायूस कर छो है। उन सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह एस एस पी जामशोरों की अपील की है तो कैंस पो हक दियारे तहफुज फराम किया वे जमीन तक कब्जो खत्म कराया वे जी मेहरबानी वहां जी आसिफ मेमन तफसील लेन लाए। फैजगंज थाने की हद भंग बहन में पंजन जवाबदार मुबैना तौर से तशद्दुद करे दुकानदार अयाज गुल के मरनिंग करे छड़ियो। जख्मी दुकानदारन के फैजगंज के सरकारी अस्पताल में दाखिल कर वो है। वधिक तफसील मालूम क्यों था रियाज सोलंगी खां जी रियाज सोलंगी तारा फैजगंज शहर भंगू बहण है जिथे पंजन का वधिक हथियारबंद मुबैना तौर से हमलो कर दुकानदार है अयाज गुल खंड जैके तशद्दुद कर शरीर जख्मी कर छो है। जख्मी दुकानदार के फैजगंज सरकारी अस्पताल में दाखिल किया। उन सिलसिले में दुकानदार के भा रियाज खंड टाइम न्यूज से गलंदे है तो पंज का हथियारबंद मुझे भा के घर बारा बीठो तो मुबैना तौर तशद्दुद कर शरीर जख्मी कर छो है। इन इंतजामिया का मुतालबो कुर कई है तो वाकई मुलस जवाबदार के फौरी तौर से गिरफ्तार कर इंसाफ कर इन सिलसिले में फैजगंज पुलिस से राबो कर फैजगंज पुलिस चवण है तो कपड़े जो व्यापारी है जिसे मुबैना तौर से जवाबदार तशद किया है इन मामले की जांच हल्दड़ है जिन वाकई जो को केस दाखिल नहीं सकता है जी तारा मेहरबानी वाजी रियाज सोलंगी तफसील लेन लाए। रियाज सोलंगी तफसील ले रहे हो फैजगंज में जिते पंजन जवाबदार मुबैना तौर से तशद्दुद कर दुकानदार अयाज गुल के मरनिंग कर छो। जख्मी दुकानदार के फैजगंज की सरकारी अस्पताल में दाखिल किया है जैसे वाकई जो केस दाखिल ना सको। नाजिम सिंह समाचार में फिलहाल एतरो ही अवान रहो टाइम न्यूज़।